फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का व्लॉग है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ शेयर करके। ये व्लॉग आप तो पढ़ के पहले ही जान लिया होगा, ये व्लॉग है होली का। जी हाँ, मैं गई हुई थी घर, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स शूट किए हैं जो कि मैं डाल दूँगी इसमें, तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो ऑलरेडी आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। 7 बज गया है आज सुबह से, 2 मिनट के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया, इतना ज़्यादा थक गई हूँ, कुछ पूछिए मत। एकदम पैर के तलवे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पर फाइनली जिस काम के लिए गए थे वो काम हो चुका है। देखिए टीवी ले आए हैं गांव के लिए, मम्मी पापा काफ़ी दिन से कह रहे थे टीवी के लिए, तो आज फाइनली टीवी हम लोगों ने ले ली है और जब वहाँ लग जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी अगर मैं जाऊँगी तो। फिलहाल तो जाने का कुछ प्लान नहीं है मेरा क्योंकि इस साल मेरी तीसरी होली है और हमारे इधर यूपी साइड में ऐसा कहा जाता है कि पहली या तीसरी होली जो है ना मायके में मनाई जाती है। तो क्योंकि मैं अपनी पहली और दूसरी होली मैंने दोनों गांव में मनाई थी और इस साल मेरा तीसरा साल है, तो मम्मी ने बुलाया है घर, तो मैं जाऊंगी घर अपने मम्मी के यहाँ। और इस नए घर में भी हम लोगों ने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया है, सिर्फ करवा चौथ मैंने यहाँ मनाया है, उसके अलावा किसी फेस्टिवल में मैं यहाँ नहीं रही हूँ। तो तीसरी साल में एक तरीके से कहेंगे कि शुरुआत भी हो जाएगी कि इस घर में फेस्टिवल एक मना लेंगे हम लोग, तो इससे फिर हर साल मनाते जाएंगे। तो इसीलिए भी इस बार मैं होली में घर नहीं जाऊँगी, अपने घर जाऊंगी, इनसे कहूंगी ये चले जाएंगे, क्योंकि मैं ना जाऊं तो ठीक है पर इनका जाना ज़रूरी है और टीवी भी लगवानी है, इसीलिए इनका जाना ज़रूरी है, तो ये ज़रूर जाएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, सुबह से 2 मिनट के लिए भी नहीं रेस्ट किया, तो मिलते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, अभी उनको फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे कि यहीं काम है उनको, तो काम हो गया है, तो घर आ करके लैपटॉप पर काम करना है, तो मैं घर आ रहा हूँ, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएँ तभी मैं जाऊँ, खाम खान तारा डाल के क्यों जाऊँ। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और फिर फ़ोन कर लेंगे, अगर लेट होगा उनको तो फिर मैं निकल जाऊँगी। अब तक तो नहा धो के एकदम वेट ही कर रही हूँ, कपड़े भी पहन लिए हैं, देखने कितनी देर। उठ जाओ डक्को, कहाँ गए थे बता दो भाई, बोल दो भाई, बोलेगा वापस चलने का, तू देख रहा है, तू कौन है, ये कौन है, तो बहुत बुरी तरीके से फाड़ा है कितना ही, कपड़े उतार लाए हैं, कपड़ा जैसे बंदर कायदे से फाड़े हैं, हमारा एक फाड़ा है, इनके दो फाड़े हैं, हमारा एक ये देखिए फाड़े हैं, कपड़ा देखो फाड़ा है बंदरों ने, किसी आने के मारे फाड़ा होगा, ये इनकी ये भी फाड़ा है बड़ा अच्छे से, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और कल है होली। हाँ, आज जाने वाले थे गांव लेकिन कुछ काम अभी बाकी रह गया है, कुछ सामान भी लेना है, तो मैं अभी नहा धो के जाऊँगी मार्केट, सामान लेकर के आऊँगी और अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, साफ़ सफाई भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, आज तो बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा। देखिए ये चने बना रही हूँ उनके लिए, फटाफट से काम निपटा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो सारे काम को आज फिनिश करना है क्योंकि कल मुझे निकलना है गांव के लिए और कल मुझे अपने घर भी जाना है यानी कि मायके, तो फिर चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ऐसा छपवाया ही था सुनील दादन, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो लेने के लिए। और आज मैंने पहना है ये अपनी ड्रेस,
अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। आप तो इतना रंग लगाया, सबसे ज्यादा दक्कन लगाया रंग, काफी पोंछ दिया एकदम, नाक वाक पे भी सब कहीं लगा था। निकल जाएगी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी नानी का घर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। और जब भी मैं उस घर को देखती हूँ मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप लोगों की भी ताज़ा यादें होंगी बचपन की, नानी के घर की बड़ा मज़ा आता था हम लोगों को। किसको किसको अपनी नानी का घर बहुत याद आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देखिए यही वाला है मेरी नानी का घर, उसमें यह टीन का फाटक लगा है। जब भी मैं इधर से गुजरती हूँ तो इसको देखती हूँ ना, तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, छोटे पे जाती थी मम्मी के साथ, बहुत अच्छा लगता था। काश वो दिन वापस आ सकते। आज होली पर पहली बार गए अपने घर, ये देखो मत दक्कुन रंग रंग सबके लगाया, खूब घंटे घंटे के अपने फूफा के भी लगाया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चे मिल गए थे वहाँ, उन लोगों ने भी बहुत लगाया था। दक्कुन तो सबसे ज्यादा लगाया, बड़ा अच्छा लगा। ये तो हाथ वात में सब कहीं लगा दिए। कैसा लगाऊंगा मैं, लगाऊंगा। हम भी थोड़ा सा पी लेंगे। कहाँ आए हो बता दो। गांव। गांव की घर अपना घर। गुड। हाय कर दो। बाल सूखे नहीं है अभी। कर दो भैया, कर दो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है ये वीडियो। और उसी दिन हम लोगों को निकलना भी था घर के लिए, और मुझे बहुत ही कस के जुखाम हो गया था। देखिए आपको आँखों से पता चल रहा होगा, बहुत कस के जुखाम हो गया था, क्योंकि पानी एकदम से चेंज हुआ ना, इसीलिए शायद हो गया था। एक दो दिन में सही हो गया था। भाभी के यहाँ, और ये देखो शैतानी कर रही है, सेल्फी तो पता नहीं लेने देती। जी 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 बंदरिया बंदरिया हो तुम। मैं बंदरी हूँ। अभी फूफा आ रहे होंगे। बैठे बैठे
दर्द हो रहा है, शैतानी नहीं करो। नहीं वो कैदव कहे और वो पुच्छते, कैदव कहे और पुच्छते, जैसा गोदी बैठो जाके कैदव कहे वो और पुच्छते। देखो भाई हंसी रो पत्थर है। हाँ नहीं, हाँ सर पर रख ले, सर पर रख ले, देखो तो शैतानी रख दो भैया। सामने देखो इस्माइल, क्या बेच रहे हो? क्यों? आलू। आलू बेच रहे हो? अच्छा लगा, पूछ लो। फूफा कहाँ जा रहा है? और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी छत पे, तो यहाँ पे चिड़िया आती है ना खिड़की के पास, तो मिरर में उनको अपना ही चेहरा दिखता है ना, तो शीशे में चोंच मारते हैं। देखिए कितनी सारी बैठी, कितना अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है चिड़ियों की कि पूछिए मत, बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ सुनना, कितना सुकून सा मिल रहा है, कितनी प्यारी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।